मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाते गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री चौहान ने 1200 करोड़ 94 लाख की हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। साथ ही हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम बाबा सिद्धनाथ परियोजना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरण गांव को तहसील बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के खाते गांव में विकास पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभा से पहले रोड शो में हजारों लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हंडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे 72 गांवों के लगभग 1 लाख एकड़ में सिंचाई होगी। अब इस परियोजना का नाम बाबा सिद्धनाथ परियोजना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरण गांव को तहसील बनाया जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि हमने हंडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना ये 1294 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की है, 72 गांव के लगभग 1 लाख एकड़ में सिंचाई होगी, 30,857 किसान के खेतों में पानी जाएगा। ये सिंचाई योजना का नाम हंडिया नहीं सिद्धनाथ सिंचाई परियोजना होगी। हे सिद्धनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि बचे हुए किसान भी मांग कर रहे हैं कि हमारे तरफ पानी रह जाए, फिर से सर्वे करवाऊंगा, चिंता मत करो, और बाकी गांव में भी नर्मदा पिया के पानी को ले जाएंगे। मैया की कृपा से, सिद्धनाथ बाबा की कृपा से। किसान भाइयों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमारी कई योजनाएं बंद करवा दी थी। जो पैसा आदिवासी बहनों को मिलता था वो पैसा कांग्रेस ने बंद करवा दिया। ये कमलनाथ नहीं करप्शन नाथ है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। जो बच्चे स्कूल में फर्स्ट आएंगे उन्हें स्कूटी देंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जो गरीब बहनें तेंदू पत्ता तोड़ने का काम करती हैं, उनके लिए चप्पल छाता की व्यवस्था सरकार करेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की गरीब जनता का हक है हवाई जहाज में बैठकर तीर्थ यात्रा करना। ये कांग्रेस ने तो हमारी कई योजना बंद कर दी थी। मेरी बहनों, कांग्रेस ने 1000 रुपया पहले बेगा भारिया सहरिया बहनों को देता था, वो बंद कमलनाथ जी ने कर दी। कमलनाथ नहीं करप्शन नाथ, वो बंद कर दी। किसान भाइयों, 0% ब्याज का कर्जा खटाई में पड़ गया, ब्याज और ऊपर चढ़ गया, कर्जा माफ नहीं किया, तो ब्याज मामा ने 2200 करोड़ रुपया भी अभी भरवाया है। इनने बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए। अभी तुमने देखा होगा, मैंने फिर से जो बच्चे 75% नंबर लाए उनको 25,000 उनके खाते में डाले हैं। और सुनो, अभी मामा के पास पैसे की कमी नहीं है, 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे जा रहे हैं दूसरे गांव साइकिल से जाना पड़े तो उनके खाते में 4,500 रुपया डलवाने वाला हूं। जो 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे दूसरे गांव पंडे, उनके खाते में भी 4,500। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा फर्स्ट नंबर आया, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा। और जो गरीब बहनें तेंदू पत्ता तोड़ती है भाई बहन, उनको पांव में जूता पहनाऊंगा, चप्पल पहनाऊंगा, पीने के पानी की कुप्पी दूंगा और बरसात के लिए छत्ता भी दूंगा। ये अपना परिवार है। लेकिन करप्शन नाथ को पसंद नहीं आया, उन्होंने कल कहा कि जूतों का उपयोग शिवराज पे ही करना। अरे कमलनाथ, तुम जूते का महत्व क्या जानो रे? जब गरीब पांव में जूता पहनता है तो पांव कांटे से लहू लुहान नहीं होते। तुम गरीबों के दर्द को उद्योगपति तुम क्या जानोगे? इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी कांग्रेस ने। संबल, कोई मर जाए एक्सीडेंट में, हम 4 लाख रुपया देते थे, कमलनाथ जी ने वो 4 लाख भी बंद कर दिए। और तो और, गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले मैं 4,000 देता था, बाद में 12,000 देता था, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा ले और थोड़ा रेस्ट कर ले। ये लड़ुआ भी कांग्रेस ने छीन लिए थे अपने, लड्डू के पैसा, डिलीवरी के पैसा भी छीन लिए थे कांग्रेस ने। और मेरे बुजुर्गों, मैं तीर्थ दर्शन के लिए ले जाता था, पहले रेल से ले जाता था, कमलनाथ दादा ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब जब मैं बना मुख्यमंत्री तो तीर्थ यात्रा फिर चालू,
अब रेल से तो ले ही जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीरथ ले जाऊंगा। अरे गरीब आदमी को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं, और किसान को भी बैठना चाहिए कि नहीं? तो जलने वाले जला करे, हम हवाई जहाज में भी तीरथ करवाएंगे। जनता की जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलना है, और इसलिए परिवार की तरह ये सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर महीने बहनों के खाते में 1,000 रुपए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका भैया अभी रुकने वाला नहीं है, जल्द ही बहनों के खाते में आने वाली राशि 1,000 से बढ़ाकर धीरे धीरे 3,000 तक कर दी जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना से प्रदेश की 45 लाख बेटियों को लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 45 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी हैं और लगभग 1,25,00,000 लाडली बहनें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहनों की इज्जत और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है। दारू के अहाते बंद कर दिए गए हैं। बहनों के प्रति दुराचार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान है। साथ ही दुराचारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और आप में से ही बहनों को उसमें शामिल कर रहे हैं। और अब सुनो, आज 31 तारीख है, 10 तारीख को टाइम खाली रखना। कौन सी तारीख को पैसा आता है? अरे जोर से बताओ। तो 10 तारीख को भैया रीवा से पैसा डालेगा। तुम अपने गांव में एक जगह इकट्ठी होके भैया को सुनना जरूर। सावन के महीने में हमारा पवित्र रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जिंदगी बदलना। और इससे मेरी बहनों और भी कई काम किए, जैसे दारू की दुकान के साथ, पहले दारू पीने के अहाते होते थे, लोग पी के कदर करते थे, बहन बेटियों को छेड़ देते थे। हमने तय किया कि दारू की दुकान के पास कोई दारू पीने का अहाता नहीं रहेगा, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे। और केवल फांसी पर नहीं लटकाऊंगा, बुलडोजर भी चलाऊंगा। बोलो चलाना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने तो हमारी कई योजना बंद कर दी थी मेरी बहनों। कांग्रेस ने 1,000 रुपया पहले बेगा भाजिया सहरिया बहनों को देता था, वो बंद कमलनाथ जी ने कर दी। कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ, वो बंद कर दी। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।